नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शराब पीने बैठे तो दोस्तों के बीच का विवाद पहुंचा जानलेवा हमले तक। हसाया से वार कर किया घायल, बालको पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत डबरी पारा में दोस्तों में आपसी विवाद का मामला इतना बढ़ गया कि जानलेवा हमला तक पहुंच गया। टिकेश्वर यादव और संतोष साहू डबरी पारा निवासी है, आपस में शराब पीने बैठे हुए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसी बीच आरोपी संतोष साहू ने क्रोध में आवेश में धारदार हथियार से प्रहार की, टिकेश्वर यादव के ऊपर वार कर दिया, जिससे उसकी कलाई की नस फट गई। वहीं पूरे मामले में प्रार्थी टिकेश्वर यादव ने बालको थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रार्थी की शिकायत के बाद कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मंजूषा पांडे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बालको नगर निरीक्षक मंजूषा पांडे, सौनी नीलम केरकेटा, सौनी सुखलाल सिदार, सौनी परवीन लाल, कृष्ण मारावी, अनिल साहू, सुजीत कुर्रे के महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला ब्यूरो नागेंद्र पाल। आज जो इनके साथ एक मामला है, क्या है ये? दिनांक 3/9/2023 की रात्रि करीबन 7:30 बजे प्रार्थी टिकेश्वर साहू आरोपी संतोष कुमार साहू के घर के पास जाकर हल्ला गुल्ला कर रहा था। दोनों में हाथापाई हुआ। गुस्से से आरोपी संतोष कुमार साहू के द्वारा ना अपने घर से हंसिया लाया तो बीज बचाव किया तो उसका नष्ट कर गया है। अधिक मात्रा में रक्त स्राव हुआ है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर ना 307 की धारा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। ये दोनों प्रार्थी, आरोपी और प्रार्थी, क्या दोस्त थे क्या? हाँ, दोस्त हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं, दोनों मिस्त्री हैं, काम करते हैं। हल्ला गुल्ला करने का कारण ये आरोपी शराब पिया हुआ था, उसके घर के सामने में हल्ला गुल्ला किया, दोनों एक दूसरे को मारे, फिर गुस्से में आरोपी अपने घर से हंसिया ला के ना वार किया है, संघातिक चोट पहुँचा के ना किया है। वर्तमान प्रार्थी जिला अस्पताल कोरबा में इलाज के लिए भर्ती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।